सांताक्रूज वेस्ट जुहूदारा रोड पर SNDT कॉलेज के पास इलेक्ट्रिक पोल दिव्यांग स्टॉल राजकुमार सरोज नामक व्यक्ति का बताया जा रहा। राजकुमार सरोज की मृत्यु 26 अप्रैल 2015 को हो गई थी। उक्त दिव्यांग स्टॉल पर राजकुमार की धर्मपत्नी दिव्यांग राजेश्वरी आर सरोज ने अपने नाम पर ट्रांसफर करने हेतु अर्जी मनपा के वेस्ट अनुज्ञापन विभाग में किया है। इस संबंध में मुंबई महानगर पालिका के वेस्ट वार्ड द्वारा राजेश्वरी आर सरोज को 13 दिसंबर 2023 को एक पत्र भेजकर सभी जरूरी कागज पत्र एवं अन्य दस्तावेजों को वार्ड ऑफिस में जल्द जमा करने हेतु कहा है। दिव्यांग राजेश्वरी आर सरोज अपने सभी कागज पत्र जबकि वेस्ट मनपा वार्ड में जमा करने गई, तब उसको जानकर बड़ा ही झटका लगा कि उसके पति के नाम का HPCO बूथ क्रमांक जो वर्षों पहले दिव्यांग राजकुमार सरोज को अलॉट हुआ था, उसी को जूनियर अधिकारी ने कुछ दलालों के साथ मिलकर दस्तावेज पर हेरफेर करके मोटी रकम लेकर मनोज परशुराम आयरे नामक एक दूसरे दिव्यांग को उक्त स्टॉल को अलॉट कर दिया है। इस मामले की शिकायत पीड़ित दिव्यांग महिला राजेश्वरी और सरोज ने DMC जोन 4 वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शांताक्रूज के पास में लिखित रूप से करने न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है सर? राजेश्वरी देवी। क्या है मामला राजेश्वरी जी, आप आई हैं यहाँ के वेस्ट वार्ड में DMC के? क्या है सर? मेरी दुकान थी कहाँ पे? सिटी कॉलेज था। अच्छा, तो क्या हुआ, दुकान आपको क्यों नहीं मिल रही है? सर अर्जी डाले थे, दूसरे के नाम ट्रांसफर हो गया है। कौन किया है ट्रांसफर? सर वो अतिक बेग। आपके पति का देहांत कभी हुआ था? सर 2015 में। अभी विकलांग हैं? हाँ सर। तो अधिकारियों से मिली, क्या बोले वो लोग? सर बोले कि हम लोग ने ट्रांसफर कर दिए हैं, आएंगे तब बात किएंगे। किससे मुलाकात हुई थी आप? सर उनसे, बड़े अफसर थे। सर मेरा नाम अनूप यादव है। मैं इसका है मामला जरा इनका मामला ये है सर, इसका इसका एक दुकान था, दुकान SNDT कॉलेज के पास जूहूतारा रोड पे था, जो कि इनका पति का देहांत हो गया था। देहांत होने के बाद हम लोग ने नाम ट्रांसफ़र करने के लिए BMC को आवेदन पत्र दिया था। आवेदन देने का उनका कोई रिप्लाई मुझे नहीं मिला, और रिप्लाई मिलने से पहले किसी देख रहा हूँ कि कोई मनोज परशुराम आयरे के नाम से वो बोल रहा है कि दुकान हमारे नाम से कब्जा हो चुकी है, अब दुकान तुम खाली करो। मुझे ये नहीं समझ में आती है कि BMC बिना बताए हम लोग को बिना जानकारी को उनके नाम से ट्रांसफ़र कैसे किया। इनसे ना कोई विटनेस लिया गया, ना कोई जानकारी लिया गया, न हमें कोई जानकारी दिया गया है, उसके बावजूद भी ये दुकान ट्रांसफ़र हो गया उनके नाम पे। इसमें आप करने वाले में से हम लोग ने आवेदन पत्र दिया था अतिक बेग को, उसने सारे डॉक्यूमेंट मनोज परशुराम को दे करके ये सारी मिली भगत से BMC की सहयोग से इन लोग ने उनके नाम से दुकान ट्रांसफ़र करवा लिया। कौन है जो एप्लीकेशन के? एप्लीकेशन हम लोग, हमारे वो एक एजेंट थे अतिक बेग करके था, हम लोग ने सारे डॉक्यूमेंट उसी को दिया था। पता नहीं वो BMC से मिल करके क्या किए, वो मुझे जानकारी नहीं है पूरी तरह से, और वो सारे नाम मनोज परशुराम के डायरेक्ट नाम से करवा दिया गया है। BMC के अधिकारी का नाम सर मुझे पता नहीं है इनके बारे में, लेकिन सर उनसे मिल करके ही किया गया है बिना जानकारी का। क्या चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए, क्योंकि दुकान इनके पति का है, पति का देहांत हो चुका है, और इनका कोई इनका कोई सहारा नहीं है। इनकी दो बेटी है और ये विधवा है, और दूसरे में अपंग भी है, उसके बावजूद भी इसके साथ में अन्याय किया गया है। इनको न्याय मिलना चाहिए।